हेलो एवरीवन, कल हमने पारसी मार्कअप किया था। आज हम म य र ल और व श श स ह ये हमारे रह गए और आज हम करेंगे म य र ल और व। इसका क्या करेंगे हम, इसको कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे और इसे हम किन किन नामों से जानते हैं ये भी आज चीजें आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लाइक दिस, दीदी आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम गांव की सैर करेंगे और फिर पास के जंगल में बिट्टू के दोस्तों से मिलने जाएंगे। वाह दीदी, फिर तो मजा आ जाएगा। वो आदमी जो भालू को नचा रहा है वो कौन है? इसे मदारी कहते हैं। वो जानवरों को नचाकर हमारा मनोरंजन करता है। देखिए मदारी भालू को मछली खिला रहा है। हाँ, मदारी भालू के नाच से खुश है, इसलिए उसे वो पुरस्कार दिया है। वो देखो मिट्टू आ रहा है। अरे मिट्टू के साथ उसका कोई दोस्त भी है। नमस्ते दोस्तों, इनसे मिलो, ये मेरी मित्र मैना है। हमारा नया अक्षर म वर्ण है। म से मदारी, म से मछली, म से मिट्टू, म से मैना। आइए देखें कि म को किस प्रकार लिखा जाता है। पहले एक छोटी सी खड़ी रेखा बनाएंगे, इसे नीचे से घुमाकर एक छोटी सीधी रेखा बनाएंगे। अब इस रेखा को एक खड़ी रेखा से जोड़ देंगे। फिर हम दोनों खड़ी रेखाओं को टोपी बनाकर जोड़ देंगे। आओ फिर से देखें। ये देखो यहाँ पर यंत्र की सहायता से नलकूप के लिए खुदाई हो रही है। यहाँ हवा में इतनी सुगंध कैसे है? ये तो शायद यंत्र की मेहनत है।
दो बच्चों आप लोग भी पूजा का प्रसाद दे लो। अरे वाह कितना स्वादिष्ट प्रसाद है। यम यम। अरे तुम्हारी जुबान में तो पानी आ गया। हा हा हा। हमारा अगला अक्षर यह है। यह से यंत्र। यह से यज्ञ। यह से यम यम। आइए हम देखें कि यह को कैसे लिखा जाता है। पहले एक छोटी घुमावदार खड़ी रेखा बनाएंगे। इस रेखा को हम एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे। अब इस सीधी रेखा को एक खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर हम टोपी लगा देंगे। आओ फिर से देखें। दीदी ये देखो इस खबर कुंड में यहाँ काला काला क्या है। अरे इसे तो राख कहते हैं। अरे वो देखो वो राख है। आज रात इस पर मुखिया के घर से बारा जाएगी। अरे वाह फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ हम लोग खूब धूम मचाएंगे। जलेबी और रबड़ी खाएंगे। तो दोस्तों हमारा नया अक्षर ल है। र से रथ। र से रात। र से रबड़ी। आइए हम सब देखें कि र को किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले एक आधा गोला बनाएंगे। अब इसके नीचे एक तिरछी रेखा बनाएंगे। अब गोले के ऊपर टोपी पहना देंगे। आओ फिर से देखें। दीदी मेरा भी कुछ खाने का मन कर रहा है। चलो तुम सबके लिए कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। ये लो मिठाई की दुकान। चलो कुछ खा लो। मिट्टू तुम क्या खाओगे।
जा रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मीठू, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। दीदी, मेरा भी कुछ खाने का मन कर रहा है। चलो तुम सबके लिए कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। ये लो मिठाई की दुकान, चलो कुछ खा लो। मिट्टू, तुम क्या खाओगे? मैं तो लौंग लता खाऊंगा। दीपू, तुम क्या खाओगे? मैं तो लस्सी पीऊंगा। मैं तो लड्डू खाऊंगी। तो हमने ल अक्षर को जाना। आइए फिर से देखें। ल से लौंग लता, ल से लस्सी, ल से लड्डू। आइए हम ल को लिखना सीखें। सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा बनाएंगे। इस रेखा के बीच से हम एक छोटी तिरछी रेखा बनाएंगे। अब इस तिरछी रेखा से हम एक आधा गोला बनाएंगे। अब खड़ी रेखा के ऊपर हम टोपी पहना देंगे। आओ फिर से देखें। चाचा जी, हमें घर के लिए। तो आज हमने क्या किया बेटा? म, य, र और ल, इनको इनके नामों से जाना जाता है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो ये हमारा था रिटन। ओके।